फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक रिक्वेस्ट वीडियो करेंगे। हमारी मुझे कई भी रिक्वेस्ट आई है, मेल आए हैं कि हमें ये मंगलसूत्र के जो पदर रहता है वो डिटेल में बताइए। तो व्यूअर्स, आज हम ये रिक्वेस्ट वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हमें ये काले मनी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये है, ये हुक कड़ी है, ये हुक है और ये कड़ी है। दो गोल्डन मनी लगेंगे हमें। ये स्प्रिंग है, ये जर्दोसी है, इसे स्प्रिंग भी कहते हैं, ये लगेंगे हमें। ग्लू लगेगा, सीजर लगेगी, पकड़ लगेगी और ये काला धागा लगेगा। ये ज्वेलरी की बनाने के लिए ये नायलॉन का धागा यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल धागे में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये जो थोड़ा कड़क रहता है और थोड़ा पतला भी रहता है, तो ये छोटे मनी में भी आसानी से जाता है। तो इसके लिए हम ये काला धागा, नायलॉन का काला धागा यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहले ये हम हुक्कड़ी से, ये हुक्कड़ी लेगी हम, देखिए उसके अंदर ये जर्दोसी, ये स्प्रिंग जैसी ही है, कोई जर्दोसी बोलते हैं कोई स्प्रिंग बोलते हैं। तो उसके अंदर से हम ये सुई डालेंगे और ये जो होल है ये कड़ी का, हुक्कड़ी का, उसमें से हम ये निकालेंगे। इस तरह हम निकालने के बाद में हम दूसरी तरफ दो पदर बनाएंगे। हम दूसरी तरफ ये इस तरह ये डालेंगे। गांठ मारने में आसानी होती है, इसके लिए और कोई बात नहीं है, हम एक एक भी डाल सकते हैं। इस तरह ये धागा, ये सुई का धागा और ये सुई का धागा हम इसे गांठ मारेंगे, खींच लेंगे पहले, फिर हम देखिए इस तरह ये होता है, इसे हम गांठ मारेंगे। और एक गांठ मारेंगे उसे ताकि वो टाइट बैठ जाए। एक दो गांठ मारेंगे। ये जो हमने इसे गांठ मारी थी वो गांठ डालेंगे हम, थोड़ा ग्लू लगाएंगे ताकि वो टाइट बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं। इस तरह फिर हमने क्या करना है, ये जो गोल्डन मनी लिया है वो गोल्डन मनी हम डालेंगे। दोनों सुई से वो गोल्डन मनी निकालेंगे इस तरह। इस तरह हम ये कड़ी को, जो हुक कड़ी है उसे हम ये टाइट करके लेंगे। फिर हमें ये जो काली मनी है, देखिए दो साथ मिलेंगे ना, तो ये धागे
एक दूसरे में अटक जाते हैं। अब हमें ये जो काले मणि है वो इसके अंदर डालेंगे। इस तरह ये डालते हैं। इस तरह आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हैं। हमारी एक व्यूअर है लतिका सावन, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें ये पदर कैसे बनाते हैं मंगलसूत्र का वो बताइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए आपको जितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप बना सकते हैं। मैंने एक साइड बनाई है तो उसके हिसाब से हम लेते हैं और थोड़े चाहिए। ये हो गई बराबर। अब हमें क्या करना है, चार या पांच मणि लेकर या छह जितना आपको चाहिए उतना एक राउंड बनाएंगे। क्यों, वो हम जो पेंडेंट डालते हैं तो उसको उसके अंदर लटक जाने के लिए इस तरह ये पांच यानी यहाँ पे छह मणि लिए हैं। इस तरह आपके जितने लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा पांच या छह मणि डालकर इस तरह से सर्कल बनाना है ताकि जब हम पेंडेंट बनाएंगे तो उसके अंदर हम डाल सकेंगे। देखिए इस तरह ये गोल यहाँ से हम पेंडेंट डाल, यहाँ पे हम ये अगर और चाहिए आपको पदर तो और बना सकते हैं। तो ये रिपीट कैसा बनाते हैं वो दिखाती हूँ मैं। व्यूअर्स अगर पहली बार मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में नीचे एक रेड कलर का बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये फ्री ऑफ चार्ज है, आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो मुझे कमेंट में भेज दीजिए।
देखिए ये जो पहला पदर है उसके हिसाब से उसके बराबर हमने ये दूसरा पदर बनाना है। दो तीन मणि हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे उसे गांठ मार ली है। इसी धागे को ऊपर लेके देखिए ये पद्धर हो गया। फिर हमने यहाँ पे इस तरह गांठ मार देनी है। अगर आपको और पद्धर बनाने हैं तो इसी तरह आप और पदर बना सकते हैं। जो यहाँ पे सुई है इसे काटते हैं, यहाँ से आप और एक पदर बना सकते हैं। तो ये हमारा डिटेल में मैंने बताया है आपको इस तरह। ये देखिए इस तरह का ये मंगलसूत्र का पदर बन गया। यहाँ पे आप पेंडेंट डाल सकते हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय एंड सी यू।